हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुक विद बिस्मा। इसको हेलो। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए ताकि मेरी वीडियो की पहली नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। हेलो एवरीवन, आज हम बनाएंगे सोयाबीन और दाल, जिसके लिए मैंने एक प्याज कट करके रख दिया है, लहसुन, और इसमें मैंने दाल जो है इसे धो करके रख दिया है। अब हम सबसे पहले हमने पानी गरम किया है, इसमें हम जो है इस न्यूट्री को मैंने पहले ही धो लिया था, इसे हम इसमें ऐड कर देते हैं और इसे हम बॉईल करेंगे। पहले ये देखिए पानी जो है बॉईल हो रहा है। अब हम गैस बंद कर देते हैं। ये देखिए ये फूल गए हैं। अब हम इसे जो पानी है ड्रेन कर देते हैं। इसके लिए मैंने तेल गरम करने के लिए छोड़ा है। तेल जो है ये गरम हो गया है। इसमें हम जीरा ऐड करेंगे। अब हम इसमें प्याज और लहसुन ऐड कर देते हैं। इन्हें हम थोड़ा सा लाइट पिंक करेंगे। अब हम इसमें दाल ऐड करेंगे। इस दाल को जो है बॉईल करने की जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि ये जल्दी तैयार हो जाती है ऐसे भी। एक कप मैंने लिया था। इसे हम फ्राई करेंगे। बीच बीच में चम्मच चलाते रहेंगे। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। रेड चिली हमने एक चम्मच ऐड किया है। हल्दी आधा चम्मच। अदरक का पाउडर एक चम्मच। इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि मसाला जो है अच्छे से बन जाए। और हाफ चम्मच हम इसमें कोरिएंडर पाउडर ऐड करेंगे। हीट जो है हमने इसको एक टाइम लो करके रखी है। थोड़ा सा और पानी ऐड करते हैं।
क्योंकि वरना मसाला जो है जल जाएगा। इसमें मैंने दालचीनी ऐड की है, जो हमने न्यूट्री पहले से बॉईल करके रख दी थी वो हम इसमें अब ऐड करेंगे। हमने पानी ड्रेन कर दिया था पहले। आप चाहें तो इसे बीच में एक एक पीस भी कर सकते हैं, एक बीच में मिडल में आप अगर इसे कट कर देंगे साइड में छोटा रहने के लिए। से हम मिक्स करेंगे। नमक हमने इसमें ऐड नहीं किया था तो एक चम्मच में नमक इसमें ऐड कर देती हूँ। में पानी ऐड करेंगे ताकि सारा मसाला जो है सोयाबीन के अंदर चला जाए। मैंने इसमें 2 कप पानी, बड़े 2 कप पानी जो है मैंने इसमें ऐड किए हैं। मतलब कि हाफ जग जो होता है मैंने इसमें वो ऐड किया है उतना। अब हमें इसको तब तक पकाना है जब तक कि सारा टेस्ट जो है सोयाबीन के अंदर तक ना चला जाए। इसे हम लगभग 30 मिनट्स के लिए कुक करेंगे। लीजिए, इसे हमने डिश आउट कर लिया है। रेडी है हमारा सोयाबीन और दाल जो हमने मिक्स करके बनाया था। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और मेरी लिंक को सब्सक्राइब कीजिए। खुदा हाफिज़। See you next time with a new recipe.